हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं जमाने में अक्सर खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा जो भी बोला, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ज़्यादा हाई फाई नहीं दिखाना है, जैसे हो सिंपल सा वैसे ही रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 7th 4.3 एक्सरसाइज है, बेसिक मैथ एनसीईआरटी सिलेबस है, आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने के लिए कैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया गया आपके सामने, वही बुक में भी दिया गया है, ध्यान दीजिए। इनको हल करना है यार, सीधी सी बात है। जैसे अभी तक पढ़े थे पिछले क्लास में, उसमें थोड़ा छोटा रहता था क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बड़ा हो गया है, बाकी करना सब कुछ वही है। तो आओ चलो शुरू करते हैं। पहले ये हम चार अचर वाला जो एक साथ में है उसको लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे। इधर साइड में 37/2 था, ऐसे लिख देंगे। ये प्लस जो 5/2 है दूसरी साइड जाएगा, तो ये माइनस का 5/2 हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन हल करना, इसलिए मैं शुरू में बता दिया हूँ। तो यहाँ साथियों करोगे तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा पता आपको? देखो दोनों के हर बराबर हैं, अंश घट जाएंगे भैया, तो ये 32/2 आएगा। कितना आएगा? 32/2 आएगा। अभी यहाँ 2i लिख लो, सही रहेगा, मतलब यही उतार लिया मैंने, कुछ किया नहीं। अब यहाँ y बराबर लिखोगे, यहाँ पर एक बात ध्यान दो, जो y है यहाँ इसके साथ गुणा में है, मतलब 2 और y ना, तो 2 को इधर साइड भेजोगे तो भैया ये गुणा में था, तो ये हो जाएगा भाग में, मतलब 32/2 के नीचे ये 2 हो जाएगा। अब ये हल करना कुछ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। देखो 32/2 ये पहले से एक फ्रैक्शन था, है ना, ये 2 जो है अकेला है बेचारा, इसके नीचे 1 छिपा देंगे, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें एक तरीका होता है कि आप इसे बाहर से बाहर का गुणा कर दो, अंदर से अंदर का गुणा कर दो, दूसरा तरीका एक और होता है। तो हमें क्या करना, सिर्फ y का मान निकालना है। तो यहाँ साइड में देख लो y इक्वल, देखो 32 का नीचे एक में गुणा करोगे तो 32 ही रहेगा, और ये 2 का 2 में करोगे तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 32/4 हो जाएगा। इसे आप काट भी सकते हो, यहाँ भी काट सकते थे लेकिन मैंने नहीं काटा, चूँकि मैं सोचा कि आगे बढ़ जाए। वैसे यहाँ भी आप आसानी से काट सकते हो। तो y बराबर ये 4×8=32, y का मान 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। वैसे मैं आपको इसको करवा तो दिया, लेकिन आपको यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था। कहाँ पर? यहीं पर, है ना, 32×5=37 होता है ना, ठीक है, ओके। यहाँ पर आप इसको काट लिए होते तो 16 आ गया होता सीधा सीधा, तो आप पहले ही कर लिए होते, इतना बड़ा नहीं होता। हो गया इतना, इसको आप लिख लो, मैं इसको थोड़ा और बैक करके बता देता हूँ। इतना हो गया ना, देखो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। ये कुछ गलत नहीं था जो मैंने किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था, आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। साथियों ये 2i ऐसे लिखोगे आप, जब 32 आएगा वहाँ से 37 जब घटाओगे, क्या घटाओगे, 37 से 5 घटाओगे 32 आएगा ना, 32/2 आएगा। एक मिनट देखो यहाँ, ये 32/2 आएगा, तो यहाँ पर y बराबर 2i बराबर, ये काट लो यहाँ पर 16 आ गया ना, थोड़ा आसान हो जाएगा ज़्यादा। तो y बराबर ये 16/2 = 8, देखो छोड़ा, मतलब छोड़ा नहीं मतलब छोटा हो गया ना, ठीक है, ओके। चलिए तो दोनों तरीका है, आप चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं डेमो के रूप में, तो PBR Study प्रयागराज चैनल और PBR Study 2.0 सभी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप हर दिन इस क्लास को देख सकें। अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं तो नोट्स अवश्य बनाएं और रेगुलर देखें, ठीक। चलिए इसको क्या करेंगे, 5t ऐसे लिख लेंगे इक्वल, ये 10 है वैसे रहेगा, कुछ नहीं करेंगे इसमें। जो इधर अचर पद था इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। अब यहाँ t इक्वल लिखोगे तो साथियों इसमें से सबट्रैक करोगे, -18 आएगा, और जो 5 था इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका t का मान -18/5 हो गया। नोट कर लो जल्दी से बिना देर करे हुए, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी करिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, और तब हम आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे ये सवाल आपके सामने है, इसको भी आप आराम से कर लोगे, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना। देखो कैसे, सबसे पहले जिसमें चर पद लगा है उसको वैसे लिख लो बिना कोई परिवर्तन के। तो ए अपान फाइव हमने लिख दिया, यहाँ एरो लगा दो, बराबर नहीं लगाना क्योंकि समीकरण में दो जगह बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया बिना किसी परिवर्तन के, बराबर के नीचे बराबर लगाया, इधर टू था उसको ऐसे लिख दिया। ये जो अचर पद था कांस्टेंट इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में था। इतना हो गया, समझ में आया। अब क्या करोगे, यहाँ से ये सबट्रैक हो जाएगा, माइनस का वन आएगा और ये ए अपान फाइव। तो एक लाइन और हम बढ़ाते हैं, ए अपान फाइव इक्वल माइनस का वन, ठीक। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लोगे, थोड़ा हम आगे बढ़ा के हल कर देते हैं। देख लो इधर साइड, ये नया जगह, ठीक है, मतलब इसके नीचे करना था, नीचे जगह नहीं थी, इधर कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या करोगे, एक तरीका है कि यहाँ आप इसके नीचे वन लिख लो, तिरछा गुणा कर दो, या फिर ऐसे समझ लो ए इधर जो है पाँच है उसके भाग में, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो वन का ए में मल्टीपल करोगे ए, और फाइव का माइनस वन में करोगे माइनस फाइव, यानी कुल मिला करके ये आपका वैल्यू आ गया ए का माइनस फाइव। नोट कर लीजिए, अगला डी वाला खुद से करोगे चूँकि इसी तरह का है सेम टू सेम, उसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक ना। कोशिश करोगे तो सब कुछ आएगा, बहुत ही आसान है, और नहीं ट्राई करोगे तो फिर बहुत मुश्किल भी है। चलिए अगला ये देख लो, ये भी वैसे है सेम टू सेम, इसमें कोई नया कुछ नहीं करना है। मैं इससे थोड़ा मुश्किल वाला बता देता हूँ जो आपको गड़बड़ लग रहा है। देखो ये यक्स बराबर, साथियों पाँच बटा दो जो है इधर साइड में यक्स के गुड़ा में है ना भाई, गुड़ा में है चूँकि इसके बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा माना जाता है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो पच्चीस बटा चार और ये नीचे चला जाएगा पाँच बटा दो, इसी को आपको हल करना है। हल करना आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बाहर का गुणा करना है, अंदर का अंदर में करना है, और इधर मैं साइड में करके आपको दिखा देता हूँ। ये लो देखो कैसे, बाहर का बाहर गुणा कर लो, अंदर का अंदर कर लो। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 25 का गुणा दो में होगा और अंदर का अंदर में चार का गुणा पाँच में होगा, है ना। जो कट पीट रहा है काट पीट दो, पाँच से काट दो ये पचम पच्चीस, ये दो से काट दो, दो एक कम दो, दो दूना चार, फाइनल में पाँच बटा दो आएगा। कितना आएगा, पाँच बटा दो आएगा, एक्स का मान फाइव अपान टू आ गया। बाकी जो क्वेश्चन और बच रहे हैं उनको खुद से कर लो, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल से हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको मैथ नहीं आती बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करें यूट्यूब पर, और सभी नोटिफिकेशन ऑन करें, ऊपर नंबर दिए गए आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 2 × x + 4 = 12। 2 × x + 4 जो है इक्वल 12 है, इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पर ये इसके बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीपल है, हम x प्लस फोर ऐसे लिख लेंगे, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इक्वल 12 जो है ऐसे लिख लेंगे। ये जो 2 है इधर मल्टीपल में है, गुणा में है, उधर जाएगा, ये इसके भाग में हो जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे, इसको आप हल करोगे तो आपको पता है कि 6 आएगा, काट दोगे। तो साथियों x बराबर, इसको काटोगे तो 6 आएगा, 2 × 12, और ये 4 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको 2 आ जाएगी, है ना। कितना आसान तरीका, चाहो तो इसे काट फिर दो, मैं नहीं रोक रहा हूँ, ये 6 आ गया ना, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को हल करते हैं, वेरी सिंपल सा मेथड है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे करोगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ यक्स प्लस फोर था वैसे वहाँ यन माइनस फाइव है। जहाँ पर ये फोर इधर जाके माइनस हो गया था, वहाँ पर वो फाइव उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है। इसके आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन और भी दे रहे हैं, उनको भी देखो, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए फट से तुरंत।
और हाँ, अगर खाली हाथ देखोगे तो खाली हाथ जाओगे, इसलिए मैं हर दिन बोलता हूँ जब भी आप हमारी क्लास में आइए कॉपी पेन लेकर के आइए। क्लास का क्या समय चल रहा है उस समय, वर्तमान समय में ऊपर नंबर जो दिए गए उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप PVR स्टडी सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन ऑन करें। अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो आप PVR स्टडी ऐप अभी तुरंत डाउनलोड करें। साथियों, ये जो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन ना, बहुत ही आसान है। ये दूसरा सवाल का डी पार्ट है, उसके बाद तीसरे का भी मैंने लिख दिया आपके सामने। इसमें भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम, कोई बड़ा तरीका नहीं लगाना है आपको। 2+x ऐसे लिख लेना है बिना किसी चेंजिंग के, इक्वल 8 लिख देना है, और ये माइनस का 4 जो है इधर गुणा में है ना, इसके साथ में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये माइनस का 4। एक बात याद रखना, जो चिन्ह इसके साथ लगा रहेगा उधर जाएगा तो वो चिन्ह लेके जाएगा अपना, जो किया है ना वही भरेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ चिन्ह छोड़ देगा, वो सीधा चला जाएगा, चिन्ह सहित जाएगा। और फिर क्या होगा, हल कर लेना है। इसको काट दोगे तो आप जानते हो 4 × 2 = 8 2 आएगा, और ये माइनस लगा था इसलिए माइनस में 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा। इसको देखो, मैं इधर साइड हल कर दे रहा हूँ, देख लेना, समझ लो, ये क्वेश्चन बाद में करूँगा, इसका बचा हुआ जो पार्ट है इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ से साथियों, ये आपका साफ साफ लिख लो, 2+x = -2 हो रहा है। बोलो 2+x = -2 ना। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x = -2, और ये 2 इधर जाएगा तो प्लस में ये भी माइनस हो जाएगा। फाइनल में x का वैल्यू जो है वो -4 आएगा। कितना आएगा, x का मान -4 आया। बात समझ में आई ना, लिख लो जल्दी से, तरीका मैंने बता दिया पूरा सब कुछ है ना। देखो अभी वो क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ, इसी का आधा पार्ट उधर है, हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह का इधर वाला है, इसको भी कर लोगे, उम्मीद करते हैं इसमें कोई अलग तो है नहीं यार। ठीक है, ट्राई करना, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज है इसका ये ख़त्म हो गया तीसरा क्वेश्चन का। चौथा है, कह रहा है x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मान अलग अलग रखने हैं, ये भी आप कर लोगे, नहीं आएगा तो बताना। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट जो भी था मैंने सब बता दिया, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो आपका ये एक्सरसाइज भी यहीं पर ख़त्म हो गया। तो साथियों, एक्सरसाइज 4.3 भी ख़त्म हो गया, 4.1, 4.2 सब ख़त्म हो गया। आगे देखिए, हम आपको आगे बताते हैं। PVR स्टडी ऐप अभी तुरंत डाउनलोड करें और वहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।